शहर के प्रथम नागरिक महापौर दयाशंकर तिवारी ने लॉकडाउन के चलते शहरवासियों के लिए संदेश दिया है। इस संदेश में महापौर ने जनता से अपील की है कि सभी ने कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए और अनुशासन पर चले। समस्त नगरवासियों से मेरा कृपापूर्ण निवेदन है कि कोरोना एक भयावह स्थिति की ओर फिर से बढ़ रहा है। पिछले समय आप सभी ने सकारात्मक सहयोग दिया और उस सकारात्मक सहयोग के कारण हम कोरोना को प्रतिबंधित करने के दिशा में आगे बढ़ सके। प्रशासन साधन उपलब्ध करा सकता है, संसाधन उपलब्ध करा सकता है, व्यवस्थापन उपलब्ध करा सकता है, लेकिन अनुशासन ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है जिसका अनुपालन आपको ही करना पड़ता है। इस कोरोना के बढ़ते प्रभाव को अगर रोकना है तो आपको मास्क का नियमित उपयोग करना पड़ेगा। हमेशा मास्क लगाना आवश्यक है, इसे आप अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल कर लें। अब सैनिटाइजर का उपयोग नियमित करें, इसे भी आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। आप नियमित साबुन से घर जाने के बाद, बाहर से जाने के बाद अपना हाथ धोएं, यह भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। भीड़ के स्थान पर ना जाए, बाजार में भीड़ ना बढ़ाए। दुकानदार अपनी दुकान में एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्तियों का प्रवेश न दे। किसी व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसे दुकान में प्रवेश न दे, उसे मास्क पहनकर आने के लिए कहे और दुकान में प्रवेश करते समय उसका हैंड सैनिटाइज करने की व्यवस्था अपने दुकान में उपलब्ध कराए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस बंद के विरोध में हम सब लोग एकत्रित होकर के आवाज उठाते हैं, लेकिन शासन के निर्देशों का पालन करते समय हम उस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे तो बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, व्यक्तिगत अनुशासन पर ध्यान दें, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करो, भीड़ से बचें, दुकान में भीड़ ना करें, हम रास्ते पर भीड़ ना करें और अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन हम खुद करें। आपने इतना किया तो कोरोना फिर से वापस चले जाएगा, कोरोना पर हम अंकुश लगा सकेंगे। आपसे यही सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।